राशिओ राशि दिखा राशि, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आरती शुरू करो। जी मम्मी जी। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे उकाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में। राशि, ये क्या बात हुई? दिन की पहली आरती है और तुम बार बार गलतियां कर रही हो आरती गाने में। ध्यान से तुम कभी नहीं कर सकती ना कोई भी काम। वैसे भी तुमसे कोई काम ठीक हो इस बात की आशा रखना ही गलत है। गोपी बहू, बेहतर होगा कि तुम आरती करो। कम से कम तुम आरती सही प्रकार से तो गाओगी। चलो। एक मिनट कोकिला। जी मोटा भाभी। कोकिला, अगर राशि से आरती गाने में कोई गलती हो गई थी तो कम से कम उसे एक सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। और अगर उसे आरती याद नहीं थी या उससे गलती हो रही थी तो हम उसे सिखा सकते हैं। मोटा भाभी, मैंने राशि को नीचा दिखाने के लिए गोपी बहू से नहीं कहा कि वो आरती करे। नित्य प्रतिदिन आरती अच्छी तरह से हो, बस यही मैं चाहती हूँ। राशि आपकी बहू है, आप ही तय कर लीजिए कि आप अपनी बहू राशि से आरती कैसे गवाना चाहती हैं। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। राशिओ, शू अच्छे? अच्छा, तो अब बात इस हद तक बढ़ चुकी है। गोपी, अगर तुझे आरती गानी ही थी, करनी ही थी तो पहले बोल देती, इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? राशि बहन, ये आप क्या कह रही है? वो तो माजी ने मुझसे कहा, बस इसीलिए मैं। हाँ, तू तो अपनी माजी की आज्ञाकारी बहू जो ठहरी, वो जो कहेंगी तू वही करेगी। और मुझे नीचा दिखाने के लिए तू तो किसी भी हद तक जा सकती है। राशि बहन, पर आप चिल्ला क्यों रही है? कोई सुन लेगा? मैं तो बस आपसे काकी जी और माँ जी के बारे में बात कर रही हूँ।
आप मुझे से क्यों? तुझे से क्या? देख गोपी, थोड़ा होशियारी मत दिखा, समझी? पर मैं कहा राशिबेन, वो तो आप ही। देख गोपी, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू चुप हो जा। राशिबेन आप ये कैसी बातें कर रही है? आपको क्या हो गया राशिबेन, आप कर क्या रही है? तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुझसे लड़ रही हूँ, तुझसे लड़ रही हूँ। देख गोपी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं सब देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, लेकिन अब बस अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर हर बात का जवाब दूंगी। राशि, क्या बात है राशि, क्या हो रहा है यहाँ गोपी वो? क्या हुआ राशि? मम्मी जी देखिए ना, ये गोपी बिना बात के अपनी होशियारी मुझ पे झाड़ रही है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट राशि, होशियारी मेरी गोपी वो नहीं बल्कि हमेशा तुम दिखाती हो। एक मिनट कोकिला, पहले राशि कहना क्या चाहती है वो तो सुन लो। मोटा भाभी, इसमें सुनने वाली क्या बात है? सबसे जरूरी बात कि इस घर में इतनी ऊंची आवाज में कोई बात करता है क्या? पूरी बात जाने बिना सुने बिना तुम यूं राशि पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं राशि पर इल्जाम लगा रही? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मोटा भाभी? आप इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? नहीं कोकिला, मैं मुद्दा नहीं बना रही। छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे का रूप देना तुम्हारी आदत है। कुछ वैसा ही चाहती हो जैसा तुम सोचती हो। ऐसी बात नहीं है। हाँ कोकिला, और अगर ऐसा ना हो, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम उसे बड़ा रूप दे देती हो। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना रही हूं? मोटा भाभी, बेहतर होगा कि हम बहस ना करें। मैं बहस नहीं कर रही हूँ कोकिला, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रही। तो फिर ये क्या है मोटा? जो सच है वही कह रही हूँ कोकिला। तुम सबको अपनी सोच के नीचे दबा कर रखना चाहती हो, और अगर ऐसा ना हो तो दिल को तुम ताड़ बना कर रख देती हो। होली के दिन गलती से राशि का हाथ दीवार पर लग गया तो तुमने उसे चार बातें सुना दी। मैं, जिगर और राशि एक दिन बाहर खाना खाने क्या चले गए तो तुमने हमें इतनी खरी खोटी सुना दी। और जब घर में दो अखबार आए तो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया। बस है कलवाओ। कोकिला बहू, बहुत हो गया। पर बा, मैं तो बस करो अभी। बा, तमे जोयू ने? हाँ, जोयू पण एंड सांभळ्यू पण। इस घर में ये चल क्या रहा है? कभी आम को लेके झगड़ा, कभी नाश्ते पर झगड़ा, और ठाकुर जी के आरती पर भी कहा सुनी। अरे हाँ, वो रामनवमी के लड्डू पर इतना बड़ा क्लेश, और अब तो अकारण ही घर की बहू है, इतनी ऊंची ऊंची आवाजों में कुछ भी बोले जा रही है। आशु, आज होवा माटे हूँ अब तक जीवती बेसी छू, नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। बस अब जो भी निर्णय मैं लू
वो तुम सबको मानना पड़ेगा। जब सबको एक दूसरे का साथ भाता ही नहीं, सबको एक साथ रहने में कठिनाई आ जाती है, तो एक दूसरे के साथ रहने से क्या फायदा? कोकिला बहू, घर की चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। दो मुझे। तय कर लिया है कि इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। और वो भी खुद मेरे हाथों से। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।